फाइनली बहुत दिनों बाद एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ, और आने का रीज़न बहुत एक स्पेशल रीज़न है। ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 साल बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और कैमरे को इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और शायद मनाली से आने के बाद मैंने एक ही वीडियो शूट किया था, आई थिंक कोई अनबॉक्सिंग था छोटे बॉर्डर का। उसके बाद से अभी तक मैंने कोई भी वीडियो कैमरे के सामने डायरेक्ट बैठ के शूट नहीं किया है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली वाला ब्लॉग डाला था, बट वो उसी वक्त का था जब मैं मनाली से वापस लौट रहा था, तब का था। तो हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे इस लॉकडाउन के सिचुएशन में। सो, आज के जो वीडियो है मैं क्यों शूट कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत स्पेशल रीज़न है, और वो रीज़न अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले एक ऐसा ही वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था जो कि बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। सो, एक बार फिर से उसी टाइप का वीडियो मैं आप लोगों को फिर से दिखाने वाला हूँ। सो, चलो दिखाता हूँ मैं क्या आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो आज शूट कर रहा हूँ इतने दिनों बाद। सो, चलते हैं। इतने दिनों तक YouTube से आई थिंक लाइव कैमरा फेसिंग से दूर रहने का सबसे बड़ा एक रीज़न है दैट आई एम मैरिड नाउ, मेरी शादी हो चुकी है। बताते हुए थोड़ा सा हंसी आ रहा है और बाजू में जो बैठे हैं मेरे वो भी हंस रहे हैं। सो अभी शायद वो कैमरा के सामने आने से शर्मा रहे हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उनको, क्योंकि हम तो हमेशा कैमरा के सामने ही रहते हैं, तो वो भी कैमरा के सामने धीरे धीरे उनका जो हेजिटेशन लेवल है वो कम होगा। सो, आज का जो वीडियो जो मैं ये शूट कर रहा हूँ, जो उसका जो मेन रीज़न वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आज की वीडियो को शूट करने की जो मेन वजह है वो है ये चीज़, और इसको भी मैंने सेम उसी जगह से परचेज़ किया हुआ है जो कि मैंने जिस जगह से मैंने परचेस किया था जगन्नाथ म्यूजिकल से। फिलहाल मैं जहाँ पे हूँ वो जगन्नाथ म्यूजिकल है। फिलहाल मैं अपने सारे इंस्ट्रूमेंट यहीं ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप जो चाहेंगे वो यहाँ अवेलेबल मिलेगा आपको, और इस बार ही मुझे अच्छा खासा इस पर डिस्काउंट मिला है। सो अभी मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर इस बार मैंने कौन सा गिटार परचेस किया है। वैसे वो लास्ट वाला जो गिटार था वो मेरा दोस्त ले गया है, तो मैंने उसको दे दिया है। हाँ, उसने मुझे पे किया है इसके लिए, बट डिस्टर्ब कर रहे हैं बाजू से तो इग्नोर करें। तो लास्ट जो मैंने गिटार परचेस किया था वो यमहा का परचेस किया था। इस बार जो गिटार मैंने परचेस किया है वो मैंने परचेस किया है ये। सो इस बार जो गिटार मैंने परचेस किया है वो है फेंडर का, और मॉडल नंबर जो है वो है फेंडर SA150C, फेंडर स्क्वायर का है। और हाँ, ऑब्वियसली ये क्राफ्टेड इन चाइना है। आई नो चाइना के प्रोडक्ट्स को अभी बायकॉट किया जा रहा है, बट ये पहले से हमारे इंडिया में आ चुका है और बहुत ही फाइन प्रोडक्ट है, तो दैट इज़ वाई मैंने इसको परचेस किया है, और इसकी साउंड क्वालिटी की वजह से मैंने इसको परचेस किया है। अभी तो इसको मैंने कल ही लाया है, तो अभी कुछ दिन इसको देखते हैं बजा के पूरी तरह से इसका ये साउंड को सुन के कि कैसा इसका क्वालिटी है। अभी देखते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसा साउंड देता है। समझ में आ गया होगा, अभी बहुत चल रहा है। बस मैं गाना गाऊंगा अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि आई थिंक अगर मैं इस गाने को पूरा गा देता हूँ शायद कॉपीराइट इशू ना हो जाए। ओवरऑल इस गिटार का जो साउंड है, बेस है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और स्वीट साउंड आता है।
और जो प्राइस है इसका, प्राइस फ्लिपकार्ट जो शो कर रहा है वो है आई थिंक 8,000 या 7,999, बट यहाँ जो शॉप से ये मैंने परचेज़ किया वहाँ से अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है, और इसका प्राइस जो है शायद इसका प्राइस टैग इस पर लगा नहीं हुआ है, तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया इस बार भी। और अगर आप आसपास से हैं तो आप राजीव प्लाजा में जगन्नाथ म्यूज़िकल से कोई भी इंस्ट्रूमेंट परचेस कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी रेंज है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो बहुत दिनों बाद आया हूँ कैमरा के सामने, से थोड़ा सा मेरा भी सामान फिसल रहा है, बट इट्स ओके, धीरे धीरे फिर से अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और अब सोचा है मैंने कि पर डे तो नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक दो चार दिन या हफ्ते में या फिर महीने में एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, देखते हैं कब तक ये रेजोल्यूशन पूरा हो पाता है। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही है, और इस गिटार का अगर कुछ और आप लोगों को जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप लोग। सो दैट्स इट, सो इसको बजाते हैं। सो अब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। तो टाटा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, देखते हैं हम इसमें कुछ गाने वाने डालेंगे धीरे धीरे और वीडियोस अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए चैनल स्टार्ट। वैसे इस बार ये मेरा कंप्लीट मूड था, टोटल मूड था कि मैं इस बार ये पूरा वीडियो शूट करूँ परचेसिंग का, शॉप में जाके एंड ऑल, बट लॉकडाउन सिचुएशन में यार ऐसे कंडीशन में करने का मन नहीं किया मेरा, इसलिए मैंने नहीं किया। वैसे कुछ वहाँ भी खास नहीं हुआ, गया मैंने चेक किया गिटार और सीधा ले लिया, क्योंकि मैं पहले से ही सर्च करके गया था कि मुझे कौन सा गिटार लेना है, और मैंने अपने दोस्त से भी थोड़ा सा सलाह लिया था इस बारे में, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा गिटार प्ले करता है, बट वो गिटार के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें प्ले करता है। सो उसने भी मुझे सजेस्ट किया था, और मैंने वहाँ देखा कि ये बहुत अच्छा एक गिटार है। सो मैंने बिना सोचे इस गिटार को परचेस कर लिया, और आफ्टर परचेसिंग मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा साउंड करता है। सो और भी इन फ्यूचर में जैसे जैसे इसको प्ले करेंगे वैसे वैसे इसके बारे में और अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगा कि इसकी जो साउंड किस तरह की है, बेटर है या बाद में चल के ख़राब होती है क्या, जो भी वो मैं आपको इन फ्यूचर में बताऊंगा। अभी तो नया नया मैंने सुनाया है, तो इसको फुल्ली पूरी तरह से इसको एकदम बराबर से इसका यूज़ करना है, और उसके बाद मैं आपका इसका डिटेल रिव्यू, ओके। और वैसे हाँ, अभी मैं राइट नाउ ऑफिस में हूँ, तो इसकी वजह से ये मास्क मेरा झूला हुआ है, अभी कोई नहीं है करके मैंने मास्क झूला दिया है, बट ऑलवेज वियर अ मास्क बिकॉज अभी जो सिचुएशन चल रहा है यार, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, कम होने की जगह बढ़ रहा है, हमेशा हर बार यही बोला जा रहा है कि इस मंथ में सबसे पीक पर रहेगा, बट यार कम ही नहीं हो रहा है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो आपको अपना ख्याल रखना है और साथ साथ दूसरों का, क्योंकि आप मास्क लगाएंगे तो आपके साथ साथ दूसरों को भी वो उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है।